चंडीगढ़ के इतिहास में पहली बार मेयर पद पर रहते हुए पार्टी के खिलाफ जाकर नामांकन भरने वाली आशा जसवाल मैम हमारे साथ हैं। उन्होंने ऐसा क्यों किया और ऐसे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए वो खुद हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, अमर उजाला टीवी में आपका स्वागत है। मेरा सीधा और सपाट सा सवाल है, आप किन लोगों से नाराज़ हैं और ऐसा क्या हुआ कि आपको बगावत उतरना पड़ा? आपने जो एक शब्द बोला कि पार्टी के वर्खिलाफ, पार्टी हित के लिए नॉमिनेशन भरा जी, पार्टी के खिलाफ नहीं भरा। नहीं। और एक रिक्वेस्ट की गई थी कि माइनस देवेश कोई कैंडिडेट दे दीजिए, वो नहीं सुना गया। अगर वो उसको करना भी था तो थोड़ा जो कम्युनिकेशन गैप था, बात नहीं सुनी गई, उसके लिए किया और पार्टी हित में किया, पार्टी के अगेंस्ट नहीं किया। तो मैम, ऐसा क्या हुआ था चार दीवारी के अंदर जिसकी वजह से आपने ऐसा कदम उठाया? मैंने बोला ना कि कुछ बातें थी जो नहीं सुनी गई, इसलिए वो थोड़ा रोष दिखाया और पार्टी हित में कि पार्टी आगे ऐसा काम ना करे कि किसी की आवाज़, डेमोक्रेसी है पार्टी में भी है, तो आवाज़ सुनी जाए, जो आवाज़ नहीं सुनी गई इसलिए वो ये किया। अगर आवाज़ सुन ली जाती तो शायद ना होता। आपकी शीर्ष नेताओं से भी बात हुई होंगी, आपने उनके सामने क्या शर्तें रखी हैं या उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया है? देखिए, आप शर्तों की बात कर रहे हैं, शर्तें कुछ नहीं होती, कोई शर्त नहीं रखी, ना मैंने आज तक कुछ मांगा ना मांगा। मैं पार्टी का मान सम्मान करती हूँ। आज अगर मैं भारतीय जनता पार्टी में ना होती तो शहर की मेयर भी ना होती जी। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में ना होती तो शहर मेरे को जानता भी नहीं और मैं कोई इलेक्शन जीत भी ना पाती, और पार्टी का शीर्ष नेताओं की वजह से मैं आज यहाँ हूँ। मैं कोई शर्तें ना पहले रखी थी ना अब रखी थी। मैं जो सिस्टम था उसका मुझे दुख पहुंचा था, मैं हर्ट हुई थी और उसकी वजह से भरा। मेरी आगे भी कोई ऐसी कोई शर्त नहीं है कि मुझे ये दे दें, मुझे ये दे दें। मुझे यही है कि पार्टी में जो व्यक्ति हो वो डिसिप्लिन में रहे, और अगर डिसिप्लिन के बाहर कोई है तो उस पर एक्शन लेना जरूरी है। ये मेरी पार्टी से अपील है। तो आप अभी तक डटी हुई है और 14 पार्षद जो आपके साथ बताए जा रहे थे वो अभी भी आपके साथ हैं? देखो, जिन्होंने उस समय बोला था वो सब एकजुट है, वो पार्षद नहीं है अकेले, एक बड़े संगठन से निकले हुए हैं। सबके पास कोई ना कोई पोस्ट पार्टी का मान सम्मान से मिली है, पार्टी को सींचा है और एकजुट है। एक ही निर्णय सबका है, जो भी निर्णय होगा उसका आपको अवगत करा दिया जाएगा। आपकी अमित शाह से कोई बातचीत हुई? नहीं नहीं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से नहीं मिल पाई और नहीं मैं मिली। तो आखिरी सवाल, बीच का रास्ता क्या निकल सकता है? अगर ये तो जब रास्ता निकलेगा आपके सामने आ जाएगा, अभी कुछ नहीं कह सकती उसके बारे में। तो ये मेयर आशा जसवाल जी हैं जिन्होंने कहा कि इनके ऊपर दबाव किसी तरह का नहीं है और ये अभी तक अपने नामांकन पर डटी हुई हैं। मेयर सहयोगी राजन के साथ ऋषिराज सिंह, चंडीगढ़।